जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ नीतीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। इस समय हमारे देश में जो स्थिति चल रही है, ये कहा जा रहा है कि पिछले 8 साल की जो कमाई है, कहीं वो कमाई पिछले 8 दिन में निकल तो नहीं गई हमारे हाथ से, एक बड़ा सेटबैक तो नहीं लग गया है। कहानियां चल रही हैं सरकार के समर्थन में, सरकार के विरुद्ध में। कहानियां ये भी चल रही हैं कि कुछ लोग आए हमारे पास, किसी व्यक्ति के पास में, और उनसे कहा, और बच्चे को जो है जरा गुस्सा कर रहे थे उससे, तो बच्चे के पिताजी ने पूछा, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे ने हमारे बाप का सर फोड़ दिया है। तो बच्चे से पूछा गया तो कि क्यों हुआ ऐसा, पिताजी ने पूछा, तो बेटे ने कहा कि पिताजी, ये आपके बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे, हमारे दादाजी के बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे, मेरे से गलत तरीके से छेड़छाड़ कर रहे थे। पिताजी को बहुत गुस्सा आया कि तो गलत बात है, लेकिन इतने सारे लोग थे, भीड़ थी, अब भीड़ के सामने क्या करना था। तो पिताजी ने अपने बच्चे को थोड़ा डांट डपट दिया, वरना माहौल कुछ और हो जाता। उसके बाद में वो सारे लोग ने कहा, अच्छा चलिए पीछा छूटे हो, इन इन इन्होंने कम से कम अपने बच्चे को डांट तो दिया, अभी तो हम चलते हैं। बाद में भाई, भतीजे, बहन, ये सब लोग बहुत चिल्लाए कि भाई तुमको अपना अपमान सहन नहीं हुआ, अपमान तुमने सहन कर लिया, तुम्हें सहन नहीं करना चाहिए था, अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए थी, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए थी, और तुमने अपने ही बच्चे को डांट दिया। तो बाप ने कहा कि भाई ये अपमान इस बच्चे से ज्यादा मेरा हुआ है, खून का कड़वा घूंट मैंने पिया है, लेकिन मुझे मालूम है और मैं एक एक का चेहरा पहचान गया हूं, किसका इलाज कब करना है। ये एक तरफ की कहानी है, आप समझ गए होंगे इसका मौजू क्या है। दूसरी तरफ की भी कहानियां बन रही हैं, उसकी कहानियां सुनाऊंगा तो जो वक्ता है उनका समय मैं ले लूंगा, इसलिए वो समय नहीं लूं तो ज्यादा बेहतर है। आप समझ रहे होंगे कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ में इस समय जो केस हुआ है, जो उन्होंने बोला, और जो ईश निंदा के घेरे में आया, घेरे में आने के बाद में उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया, नवीन जिंदल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया, 38 लोगों की लिस्ट बनाई गई है पिछले 8 सालों में जिन्होंने गलत बयान दिए हैं, 27 लोगों को उसके बारे में कहा गया है कि आपको कैसे बिहेव करना है आगे के लिए, 5,000 करीबन बयान जो है, कुछ शब्द जो है वो गलत है, वो सब रिकॉर्ड किए गए हैं, आईटी सेल की इसके लिए मदद ली गई है, सहयोग लिया गया है। ये सारा का सारा काम किस लिए किया जा रहा है, जो रूस, यूक्रेन, यूरोप से नहीं डरे, जो विदेश मंत्री यूरोप और अमेरिका को कड़ी भाषा में उत्तर देते हैं, क्या खाड़ी देशों की इतनी हिम्मत है कि वो हमारे देश के लिए कुछ कहें। और वो प्रधानमंत्री जो ये कहते थे कि 100 करोड़ का देश है, हम इतने बड़े देश हैं, हम दुनिया पर प्रेशर पैदा कर सकते हैं, कोई हम पर प्रेशर कैसे पैदा कर सकता है, ऐसे में आज उन पर प्रेशर आ गया। क्या यही वजह है, क्या वजह कुछ और है, बताई कुछ और जा रही है, पॉलिटिक्स या कहूं कि राजनीति, हालांकि दोनों अलग अलग बातें हैं, इसमें सब कुछ वैसा नहीं होता जो हमें दिख रहा होता है, दिख कुछ और रहा है, समझाया कुछ और जा रहा है और चल कुछ और रहा है। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक मिल सके, इसके लिए ऑल पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि इसी से हमारी रीच लोगों तक पहुंचती है, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। आइए स्वागत करता हूँ हमारे बीच पधारे हुए ब्रह्म विद्वान प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरु जी प्रणाम, कैसे हैं नमस्कार। आप नमस्ते नीतीश जी, बहुत अच्छे हैं जी। गुरु जी मित्रों। आज आज जी हाँ, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो इस समय बड़ा कम से कम सोशल मीडिया में गर्मा गर्म विषय है और अखबारों में भी उस पे। मित्रों, इस बहाने जो कुछ आधारभूत बातें हैं उन पर चर्चा थोड़ी सी शुरू में कर लें। भारत में जो सोशल मीडिया के लोग हैं उसमें से जो थोड़े गंभीर हैं, थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, मतलब राजनीति और इतिहास आदि को थोड़ा पढ़ते हैं, विश्व के विषय में कुछ जानते हैं, उनकी भी बड़ी समस्या है। बाकी लोग जो हैं वो तो क्यों ही अपना, समझ लीजिए, मन बहलाव के लिए पहली बार एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अपना कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, गाली गलौज, बकवास या नारेबाजी, वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा
पढ़े लिखे हैं, थोड़ा इतिहास भी जानते हैं, थोड़ा राजनीति भी जानते हैं, दुनिया में घूम घाम के आए हैं, तो वो लोग एक तरह से ओपिनियन बनाने में देश में बहुत ही सहयोगी होते हैं। तो एक तो हमें ये जानना चाहिए कि वो ओपिनियन मेकर तो मुख्य ओपिनियन मेकर न सही, लेकिन जैसे देश में ओपिनियन बनाने में किन किन लोगों की भूमिका होती है, ज़्यादातर दुनिया में ओपिनियन मेकर्स होते हैं वहाँ के एलीट क्लास, लेकिन इसके साथ बाकी लोग भी होते हैं। तो भारत में भी, भारत में तो कोई एलीट क्लास पावर में है नहीं, वो एक अलग विषय है। मैंने कई जगह बताया है कि जो एलीट क्लास होता है वो अपनी सोसाइटी का प्रतिनिधि होता है। तो भारत के रियल एलीट तो हैं हमारे शासन वाले लोग, और इसके बाद जो धर्माचार्य हैं, हमारे धर्माचार्य राजनीति के विषय में कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते आधुनिक राजनीति के विषय में। राजनीति शास्त्र का ज्ञान रखते होंगे, अपने शास्त्रों का तो ज्ञान रखते ही हैं, लेकिन जो इस समय की राजनीति चल रही उसका नहीं रखते। तो अभी जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं वो ऐसा लगता है कि आधारभूत बातों के विषय में नहीं जानते। कैसे नहीं जानते, ये जो अभी की घटना है उसके सहारे ही हम बात करेंगे। जैसे कतर का बहुत नाम लिया जाता है इसमें, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि का नाम लिया गया कि वहाँ के शासकों ने राजदूतों को बुलाया, भारतीय राजदूत को अपने अपने यहाँ, और कहा कि साहब ये बड़ा इमोशनल मामला है और पैगंबर के लिए कोई भी बात हम नहीं सहन करें। तो इस मुख्य बात पर आने से पहले जो आधारभूत बातें हैं जो हमें जानना चाहिए वो हम चर्चा करेंगे। पहले कतर का लें, कतर का बहुत नाम आया है। कतर की आबादी 25 लाख है, अभी कोई 28 लाख हुई है शायद इधर और बढ़ के, जिसमें वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो बहुत कम हैं, 4 लाख हैं, 24 लाख लोग बाहर के, और बाहर वालों को मिला के जो आबादी है कतर की वो समझ लीजिए भोपाल शहर के बराबर है या उससे थोड़ी सी ज्यादा है। भोपाल शहर की 20-22 लाख है, उनकी 28 लाख है, लेकिन भोपाल शहर के जो 20-22 लाख लोग हैं वो यहीं के हैं, यहाँ के निवासी हैं, और वहाँ जो 28 लाख की कुल आबादी है पूरे देश की, उसमें से 4 लाख वहाँ के हैं, बाकी बाहर के हैं। तो बाहर वालों का वस्तुतः तो कोई से होता नहीं। तो एक तो ये जानना चाहिए कि भारत जो है, यानी ना तो हम उन नेशन स्टेट्स के बारे में जानते जो अभी हाल में ही बने हैं, हमारे सोशल मीडिया में एक्टिव लोग उनके विषय में नहीं जानते, और उससे भी ज़्यादा वो भारत के विषय में नहीं जानते। भारत कतर से 450 गुना बड़ा है, 450 गुना, यानी 450 कतर तो भारत के भीतर समा जाएंगे, और जनसंख्या के हिसाब से, और फिर भी हम समझते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जो अमेरिकी राष्ट्रपति से, रूसी राष्ट्रपति से, चीनी, जापानी, इजरायली, कहीं के भी राष्ट्रपति से गुणता है, बराबरी से आत्मविश्वास के साथ बात करता है, वो कतर से डर जाएगा, बहरीन से डर जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं उनमें से जो एकदम ही मामूली लोग हैं जो अबे तबे यार वायर की बातें करते हैं या नारेबाजी कर देते हैं या कोई जयघोष कर देते हैं अथवा अश्लील बातें लिखते हैं, उनको हटा भी दें जो कि 90% हैं, तो जो 10% भी सोशल मीडिया में हैं उसमें से जो अपने आप को काफ़ी पढ़ा लिखा मानते हैं उनको दुनिया का कोई बेसिक तथ्य नहीं याद रहता। भूगोल नहीं पता, इतिहास नहीं पता, आकार नहीं पता, प्रकार नहीं पता। तो कतर के अमीर की ये कोई हैसियत नहीं है कि वो भारत के शासकों से जोर से बोले। तो फिर आप कहेंगे कि वो क्यों कर रहा है, ऐसे किया कि नहीं किया, उस पर अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। तो मुख्य बात यह है कि जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं उनमें से जो लोग गंभीर हैं या जो लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें बहुत लोग गंभीर ही हैं सबके सब, उनसे मेरा आग्रह है कि एक तो वो थोड़ा सा दुनिया के बारे में जाने और भारत के बारे में जाने।
भारत के आकार प्रकार को जाने, भारत के महत्व को जाने, भारत की साइज को जाने। अब ये तो बचा भारत की बात, संपूर्ण भारत की, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जो मॉडर्न स्टेट है, और खास तौर से भारत में जो राज्य आया है। जैसा मैंने कई अपने भाषणों में बताया है कि पश्चिमी यूरोप में तो ऐसा कोई नेशन स्टेट नहीं है जो वहां के बहुसंख्यकों के धर्मतंत्र को विधिक अधिकार नहीं देता हो। कहीं कैथोलिक चर्च है, कहीं प्रोटेस्टेंट चर्च है, कहीं लुथेरियन चर्च है, सब जगह मेजोरिटी जिस चर्च को मानने वाली है उस चर्च की चलती। तो इस प्रकार बहुमत की धार्मिक भावनाओं का वहां कद्र होती है, शासन उससे डरता है, चलता है। भारत में तो उसको भी नहीं बनते। भारत तो इतना बड़ा नेशन स्टेट है, लेकिन ये भारत के बहुसंख्यकों यानी हिंदुओं की धार्मिक भावना को तो जिसे कहते हैं चुटकियों में भी मसल के रख देता है, कुछ गिनता ही नहीं है। कानूनी तौर पर हिंदू धर्म और हिंदू समाज की कोई विधिक स्थिति नहीं। व्यक्तिगत रूप में नागरिकों को अभिव्यक्ति और उपासना विचार स्वातंत्र की स्वाधीनता है, लेकिन हिंदू धर्म के विषय में भारत के संविधान में एक शब्द नहीं लिखा है कि भारत का राज्य हिंदू धर्म की रक्षा करेगा। उससे उल्टे संविधान में ये लिखा है, और उसका बाद में कांग्रेस ने और भाष्य कर दिया कि हम तो अल्पसंख्यकों, उन्होंने तो लिखा था कि हिंदू शासन आ रहा है तो अल्पसंख्यक डरे नहीं, इसलिए अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे दी। कांग्रेस ने उसको बदल के कर दिया महापाप कि हम अल्पसंख्यकों को ही संरक्षण देंगे, बहुसंख्यकों को गिनेंगे ही नहीं। तो ये स्वयं जो लोग शासन में एक अलग विचारधारा के हैं, कोई सोशलिस्ट है, कोई नेशनलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई कुछ है, तो ये तो बहुत अल्पसंख्यक लोग हैं ना, क्योंकि ये विचार भारत का तो कोई भी विचार नहीं है। तो अल्पसंख्यक लोगों ने स्वयं को तो संपूर्ण भारत का शासक बना लिया, फिर इस्लाम और ईसाइयत को अल्पसंख्यक कह के उसको विधिक अधिकार दे दिया, और हिंदू धर्म को तो कोई अधिकार दिया ही नहीं है। तो अभी आज का विषय यह है कि इसके बाद तो यहाँ का राज्य जबरदस्त शक्तिशाली, यानी यहाँ के प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास तो अद्भुत शक्ति है, जो चाहे करते हैं और करते रहे हैं। भारत की संस्कृति का नाश कर दिया, शिक्षा के नाम पे केवल यूरोप के विचार पढ़ा दिए, जैसे भारत में कोई ज्ञान ही नहीं। तो ऐसे लोग किसी से क्यों डरेंगे? इतने शक्तिशाली लोग जो चाहते हैं वो करते हैं, अपने समाज को कुछ गुनते ही नहीं है, तो वो दुनिया से क्यों डरेंगे? तो एक तो ये जानना चाहिए कि राजनीति चलती कैसे है, दूसरा ये जानना चाहिए कि इन लोगों ने, हमारे किसी भी राज्यकर्ता ने समाज में तो कभी सच बताया नहीं। वैसे भी अपनी गोपनीय बातें, मर्म की बात तो राजा कभी नहीं बताता था, लेकिन कम से कम पहले के राजा समाज के धर्म से, समाज की मान्यताओं से, आस्थाओं से संचालित होते थे, क्योंकि वो कानून नहीं बना सकते थे। भारत में नियम ये था कि कानून तो कोई बना ही नहीं सकता, राजा जो समाज में मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनके अनुसार न्याय करना राजा का काम है। तो यहाँ तो इन्होंने कानून भी बनाने की शक्ति ले ली है। तो भारत के शासक अद्भुत शक्तिशाली हैं। डॉक्टर लोहिया जब थे वो तो कहते थे कि ये सहस्त्र बाहु राक्षस है, हजार भुजाओं वाला राक्षस है मॉडर्न स्टेट, ऐसा हमेशा कहते थे। चलिए अब वो शब्द तो कोई कहेगा नहीं, क्योंकि अब सभी लोग, अब तो राक्षस कैसे कहेंगे जो समाजवादी हैं, लोहिया के अनुयायी अपने को कहते हैं, वो भी स्टेट का पार्ट हो गए, तो अब वो भाषा खत्म हो गई। तो ये जो राज्य है ये भयंकर शक्तिशाली है, और इस राज्य को करने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, ये मत समझिए कि जानते नहीं है, क्योंकि वो तो देख रहे हैं ना। भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका और रूस सब जगह यूं जाते हैं आत्मविश्वास के साथ, तो कतर को तो वो देखते ही है ना कि उसकी क्या हैसियत है, और बहरीन की क्या हैसियत है, और संयुक्त अरब अमीरात की क्या हैसियत है। तो एक तो ये जानना चाहिए कि ये जो निर्णय होते हैं उसका किसी, जो भारत के लोगों की ही भावनाओं की कद्र नहीं करते, वो दुनिया के किसी भी देश की भावना की क्या कद्र करेंगे? बयान तो यही देंगे कि हमने ये कर दिया। तो एक तो ये जानना चाहिए कि भारत का जो प्रधानमंत्री है उसके डरने का कोई सवाल ही नहीं। फिर हुआ क्या है? तो हुआ यह है कि हमारे यहाँ फिर वही बात आई, जो प्रवृत्ति है कि बस अपने देश की निंदा करना और दुनिया में जैसे सब कुछ सुंदर है ऐसा समझना, ये मूर्खता का दूसरा उदाहरण है। सारे संसार में जो शासक हैं, जब से ये आधुनिक किस्म का राजतंत्र आया है, यानी संसदीय चुनाव, लोकतंत्र आदि है, अथवा फौज से शासन कर रहे हैं, अथवा कम्युनिस्ट शासन, सब तो अपने समाज से घबराए हुए लोग हैं। ये बात सबसे पहले गांधी जी ने कही थी कि आधुनिक राज्य जो हैं वो तो
शासकों के भय की अभिव्यक्तियां हैं, ये लोग अपने समाज से डरते हैं। संसार का वर्तमान में हर शासन अपने समाज से डरता है, क्यों? क्योंकि वो अपने समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ऐसे में मुस्लिम देशों में तो खासकर वहां के शासकों को ये डर लगा रहता है कि अरे भाई हमको ये ना साबित कर दे कि हम कम मोमिन हैं, हम काफिर हैं, हम मुशरिक हैं, हम मुनाफिक हैं, तो वो सतर्क रहते हैं और एक दूसरे को होड़ लगी रहती है। असली स्वार्थ, असली नजर तो गद्दी पे रहती है। इनमें से किसी को कोई सचमुच मजहब से थोड़ी मतलब है, मजहब का तो दिन रात उल्लंघन होता है, अभी वो विषय नहीं है, नहीं तो हम 50वां उदाहरण है। कोई भी मुस्लिम नेशन स्टेट मजहब को कुछ नहीं गुनता, मजहब का दिखावा करता है। तो क्यों? क्योंकि मजहब के नाम पर ही वो अपनी भीड़ को, अपने अनुयायियों को, अपने नागरिकों को एकत्र करते हैं, और जो दूसरा उनको पटकनी देना चाहता है कि हम इसको गद्दी से हटाएं, वो भी मजहब का ही सहारा लेता है। इसलिए मुस्लिम देशों के सभी शासक, सभी राजपुरुष, सभी राजनीतिक दल मजहब के नाम पर कहीं हमको मोमिन की जगह काफिर न बता दिया जाए, मुशरिक न बता दिया जाए, गलत आदमी नहीं बता दिया जाए, इस डर से कांपते रहते हैं। तो इस घटना में क्या हुआ है? तो इस घटना में जो हुआ है उस पर अभी चर्चा करेंगे फिर थोड़ी देर में, आपको लगेगा हर बार टालते जा रहे हैं लेकिन बाद में सब बातों को हम जोड़ेंगे। अब प्रश्न उठता है कि नूपुर क्यों हटी, पहले इस पर चर्चा कर लें। तो नूपुर या कोई भी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सोशलिस्टों के प्रवक्ता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ताओं को छोड़ के किसी भी पार्टी के प्रवक्ता कोई प्रशिक्षित तो होते ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई एक घोषणा पत्र दे दिया, कोई एक घोषणा कर दी कि हम फलानेवादी हैं, समाजवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, अमुक हैं, तमुक हैं। वो तो कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, धनी अथवा प्रभावशाली, उसने 10-5 लोगों ने मिलकर सोचा चलो एक पार्टी बनाए, तो एक पार्टी बनाते हैं, फिर उस पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए सुना है कि कुछ कहना पड़ता है कि हमारी ये विचारधारा है, तो वो कह देते हैं और उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। पार्टियां तो ऐसे ही चल रही हैं, भारत की पार्टी तो विशेषकर। तो कोई भी पार्टी, व्यवस्थित रूप से किसी भी पार्टी के पास कोई पुस्तक नहीं है कि पता चले कि उसका क्या विचार है। भाजपा की भी वही समस्या है, भाजपा का वस्तुतः क्या विचार है, आदर्श है, ये तो कोई नहीं जानता। पहले वो शुरू में चला था कि ये हिंदुत्व से भारतीयता बोलते थे, हिंदुत्व बोलने से डर लगता था नेहरू के डर से, तो कहा कि भारतीयता से प्रेरित हैं। फिर अटल जी के समय हुआ कि गांधीवादी समाजवादी हैं, फिर कुछ दिनों में कहने लगे नहीं नहीं गांधीवादी समाजवादी नहीं, जो दीनदयाल जी का विचार है एकात्म मानववाद उसको मानते हैं। फिर कहने लगे, आडवाणी जी ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। फिर अब मोदी जी ने नया नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। अब ये तो कोई दर्शन है नहीं, ये तो एक लोक लुभावन नारा है। तो किसी भी पार्टी के पास कोई ऐसा स्पष्ट रूप से कोई राजनीतिक आदर्श नहीं। लेकिन राजनीतिक आदर्श हो या ना हो, हर पार्टी आधुनिक लोकतंत्र में समाज के किसी एक बड़ी भावना का प्रतिनिधित्व करती है। तो भाजपा किसका प्रतिनिधित्व करती है, वो कहेंगे क्या, ये उनके राजनीतिक समीकरणों पे और सत्ता समीकरणों पर और देश में कौन लोग प्रभावी हैं इस पर निर्भर है। कांग्रेस ने 4-4 पीढ़ियों को नास्तिक और भौतिकतावादी बनाया है शिक्षा के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा। भाजपा के पास उतने प्रभावशाली लोग नहीं है कि इसकी काट कर सकें, इसलिए वो उसके दबाव में है। तो इसलिए वो अपने को क्या कहते हैं, रोज क्यों बदलते रहते हैं, कभी कह दिया गांधीवादी समाजवाद, कभी कह दिया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कभी कह दिया सबका साथ सबका विकास, क्यों करते रहते हैं, भयभीत हैं। वो अपने समाज से नहीं भयभीत हैं, क्योंकि समाज को तो वो कुछ गुने नहीं रहे हैं, लेकिन वो दूसरी पार्टी पावरफुल है उससे डरते हैं। तो बेचारे कुछ ऐसा गोलमोल शब्द बोलते हैं, तो सबका साथ सबका विकास एक गोलमोल शब्द है, इससे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वस्तुतः भाजपा हिंदू मानस के प्रतिनिधि, उसकी ऑडियंस हिंदू, उसको जिन्होंने समर्थन दिया, जो लोग लाए, आप देखते होंगे 2014 के पहले जो चुनाव में परिदृश्य बना, उसमें देश के सभी श्रेष्ठ धर्माचार्यों के बड़े बड़े सम्मेलन हुए। स्वामी रामदेव जी ने तो जान की बाजी लगा दी भाजपा की सफलता के लिए, दिन रात मेहनत की। अन्य लोगों ने भी बहुत काम किया, बड़े बड़े सम्मेलन हुए, जिसका अर्थ है कि
हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के श्रेष्ठतम आचार्यों ने पूरी भावना के साथ और पूरे विवेक के साथ सोनिया गांधी की कांग्रेस, जो भारत में ईसाइयत ला रही थी, उसको हटाने के लिए मोदी को लाने का काम किया। इसका भाजपा की किसी कथित विचारधारा जो कहीं लिखी थी नहीं है। अब भाजपा वाले आपस में क्या बोलते हैं, कुछ भी बकबक करेंगे, हमारी विचारधारा की जीत है, तुम्हारी तो कोई विचारधारा ही नहीं है भाई, सारी दुनिया जानती है भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है, रोज बदलते रहते हैं। लेकिन भाजपा को लाने वालों के विचार स्पष्ट हैं, भाजपा को हिंदू लोग लाए हैं, भाजपा को हिंदू धर्माचार्य लाए हैं, भाजपा को धर्मनिष्ठ हिंदू लाए हैं, भाजपा को हिंदू धर्म से संवेदित, जिनके लिए हिंदू धर्म ही जीवन का सब कुछ है, जो हिंदू धर्म के लिए भूखों रह सकते हैं, प्राण दे सकते हैं, बेरोजगारी सह सकते हैं, रोटी नहीं मिले तो सह सकते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा करेंगे, ऐसे लोग भाजपा को लाए हैं। तो भाजपा की ऑडियंस क्या है, भाजपा की मूल समर्थन समर्थक शक्ति क्या है, हिंदुत्व। इसलिए भाजपा तो हिंदुत्व से बाहर जा ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल आत्मघात नहीं किया करता, काफी चालाक होते हैं राजनेता, अपना अस्तित्व बनाए रखना जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व से बाहर कभी नहीं जा सकती, वो उसके खून में है, उसकी संरचना में है। वो बकबक क्या करते हैं, ये नारा देते हैं कि वो नारा देते हैं, वो उनकी राजनीतिक चालाकियों पर निर्भर है। तो इसलिए इस बात की तो चिंता ही नहीं की जा सकती कि भाजपा हिंदुत्व से हट गई, असंभव है, क्योंकि तो इसका अर्थ यह है कि हम ये कह रहे हैं कि भाजपा आत्मघात कर रही है, जो असंभव है। राजनेता कहाँ आत्मघात करते हैं, वो दूसरों को आत्महत्या करवा देंगे, नेता कभी आत्महत्या नहीं करता, नेता काफी बेशरम भी होता है, ढीठ भी होता है, फूका पिटा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आत्महत्या नहीं करेंगे, इसलिए वो हिंदुत्व से कभी नहीं हट सकते, वो उनका प्राण है, वो उनका खून है, वो उनकी मज्जा है, वो उनका मांस है, उसी के बल पर वो जीवित है। बोलते क्या है, जो उनकी समझ है कि शक्तिशाली लोग अमुक बात कहने से हम बचे रहेंगे, नहीं तो हमको उखाड़ न दें, तो ये जानना चाहिए। अब चूंकि कोई विचार स्पष्ट नहीं है, हम देख रहे हैं कि लगातार जनसंघ से भाजपा तक रोज शब्द जाल बदलते रहे हैं, किसी विषय में कोई स्पष्ट राय नहीं है, जाति को मानते हैं कि नहीं मानते, जाति को रखेंगे कि जाति मिटा देंगे तो पहचान क्या करेंगे, धर्म में संप्रदायों के बीच क्या नियम है, क्या शास्त्र है, आपकी क्या मान्यता क्या है, आप चाहते क्या है, या कोई नया संप्रदाय चलाना चाहते हैं, है ना, धर्म और राष्ट्र का क्या संबंध है, राष्ट्र का अर्थ क्या है, राष्ट्र और राज्य का क्या संबंध है, किसी विषय में भारत की किसी भी पार्टी की कोई भी पुस्तक नहीं है, कोई भी अभिलेख नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुछ नहीं होने से भी, जैसे कि इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं, इंग्लैंड में कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड का प्राण है। इसी प्रकार पार्टियों का कुछ भी लिखित नहीं होने पर भी अलग अलग सबकी ऑडियंस है। पहले हिंदुत्व तो कांग्रेस का प्राण था, और वो और लोगों को पटाने के लिए तरह तरह के शब्द जाल बोलती थी, फिर धीरे धीरे कांग्रेस पर हिंदू द्रोहियों का कब्जा हो गया, और बाद में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व देश को ईसाई बनाने के लिए काम करने लगा। तो इसी प्रकार जो भाजपा है वो हिंदुत्व ही उसका प्राण है, हिंदुत्व से बाहर वो जा ही नहीं, कल्पना नहीं है कोई अधिक। तो इसलिए भाजपा सदा इस बात की चिंता करेगी कि हिंदू उससे नहीं नाराज। एक बार नूपुर शर्मा की जहां तक बात है, जैसा मैंने बताया, चूंकि भारत भारतीय जनता पार्टी का विशेषकर और सभी दलों का सामान्य रूप में कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर कुछ भी व्यवस्थित विचार नहीं है लिखित किसी विषय पर, तो इनके जो प्रवक्ता हैं वो भी अपनी प्रतिभा के अनुसार बोलते हैं। तो ये जो नूपुर शर्मा है, ये भी एक अप्रशिक्षित प्रवक्ता थी, भाजपा के सभी प्रवक्ता अप्रशिक्षित है, निजी तौर पे बेचारे, जैसे कोई प्राइवेट परीक्षा देता है ना स्वाध्यायी, इसी तरह कुछ लोग प्रतिभाशाली होने से निजी तौर पर मेहनत कर लेते हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित राजनीतिक प्रशिक्षण देकर प्रवक्ता बनाए जाते हों, वो भी केवल कम्युनिस्ट पार्टी में होता है, कांग्रेस में नहीं होता, भाजपा में नहीं होता। तो नूपुर शर्मा को कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त था, तो नूपुर शर्मा को लगा कि हम ये जो भावुक हो गई, वो ज्ञानवापी के मुद्दे पर, स्वाभाविक ही है, जिसको ज्ञानवापी के मुद्दे पर जिसका खून नहीं खौले वो हिंदू है ही नहीं है, वो नास्तिक है, म्लेच्छ हो चुका है, विकृत हो चुका है, पतित हो चुका है, जिसकी जिसका संपूर्ण खून नहीं खौल उठे ज्ञानवापी के मुद्दे पे, वहां से जो प्रत्यक्ष ज्योतिर्लिंग निकले हैं
उनके अपमान पर जिसको ये नहीं लगे कि मार दो, मर जाओ, कुछ भी करो, फिर वो क्या करेगा, ये विवेक की बात है। लेकिन भावना तो एक बार अवश्य आती है, जिसका ज्ञानवापी मुद्दे पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर, श्री राम जी के मंदिर के मुद्दे पर, श्री राम जन्मभूमि मुद्दे पर खून नहीं खोले, प्राण नहीं आकुल हो, वो हिंदू है ही नहीं। तो नूपुर शर्मा भी एक अच्छी आस्थावान श्रद्धावान हिंदू है, तो उसने उसका भी खून खोल उठा। तो क्या बोलती, भाजपा ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी है, किसी विषय पे कोई ट्रेनिंग नहीं। एक जनरल अटल, लोग सोचते हैं आजकल मोदी जी क्या बोल रहे हैं, पहले सोचते थे आडवाणी जी क्या बोल रहे हैं उसकी कॉपी करते थे, अटल जी क्या बोल रहे हैं उसकी नकल मारते थे, जोशी जी की नकल तो किसी ने कभी की नहीं, क्योंकि वो प्रोफेसर आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे थे, तो उतनी उनकी बातें समझ में नहीं आती थी। तो अटल जी की और दीनदयाल उपाध्याय जी की किसी ने नकल नहीं की भारतीय जनता पार्टी में, वो बड़े विद्वान थे, चिंतक थे, उनकी नकल करने के लायक बौद्धिक योग्यता नहीं है। तो लोगों ने अटल जी की नकल मारी, सब पार्टियों में यही होता है। जवाहरलाल नेहरू की नकल कांग्रेस में चलती थी, लोहिया की नकल समाजवादियों में चलती थी, तो इन्होंने अटल जी की नकल मारी, आडवाणी जी की नकल मारी, आजकल मोदी जी की नकल चल रही। तो प्रवक्ता भी बेचारे देखते हैं मोदी जी क्या कह रहे हैं। तो मोदी जी जो कह रहे हैं उससे उन्होंने उसने ये निकाला कि हमको हिंदुत्व का पक्ष तो रखना चाहिए। अरे तो हिंदुत्व का पक्ष रखना चाहिए तो ये बड़े बकबक कर रहे हैं जो अपने को मोमिन कहते हैं, हालांकि मोमिन नहीं है, जैसा मैंने अपनी पुस्तक में बताया है। सबके सब जो ज्ञानवापी मुद्दे पर बोल रहे हैं उनमें से कोई मोमिन नहीं है, सबके सब मुनाफिक हैं अथवा मुशरिक हैं। कुरान के अनुसार भारत में जीवन जीने वाले दो मुसलमान भी नहीं, ये जो बकबक करते हैं इस्लाम के नाम पे। अगर ठीक से भारत का शासन इस बात पर दृढ़ हो जाए कि आप या तो भारत का संविधान पूरी तरह मानिए, नहीं तो फिर कुरान को मानिए, और कुरान के अनुसार जो पालन करेगा केवल वही मोमिन है, उसी को इस्लाम की ओर से बोलने का हक है, ये कह दें, तो दो आदमी भी नहीं मिलेंगे, वो एक अलग विषयांतर हो जाएगा। मैंने अपनी पुस्तक बनावटी मुसलमान में बताया है कि कुरान में क्या क्या प्रतिबंध हैं मुसलमानों के लिए, और भारत के 99.9% मुसलमान उन सब प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं। सारे लोग हदूद गुनाह करते हैं, नशेबाजी करते हैं, कुरान का पालन नहीं करते, नियमित रूप से अपने अपने खर्चे से हज जाने वाले भी बहुत कम हैं, सरकार की मदद लेते हैं, आदि आदि बहुत सी बातें। तो ये जो ज्ञानवापी मुद्दे पर मुनाफिकीन लोग, मुशरिक लोग मोमिन बनकर बकर बकर कर रहे थे, बड़बड़ कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, हिंदू भावनाओं पर चोट पहुंचा रहे थे, अशिष्टता कर रहे थे, असभ्यता कर रहे थे, कांग्रेसियों और समाजवादियों और कम्युनिस्टों की प्रेरणा से, जिन्हें कुरान से कोई श्रद्धा नहीं है, जिनको इस्लाम से भी कोई लेना देना नहीं है, उनको तो बस कांग्रेसियों का, कम्युनिस्टों का, सोशलिस्टों का, और अपने कोई अपना नेता हो जो मुल्ला मौलाना कुछ भी बना हो उसका काम करना है। कुरान तो पढ़ते नहीं है ये लोग, कुरान पढ़ते तो ज्ञानवापी तत्काल त्याग देते। तो इन लोगों की बकवास सुन के नूपुर शर्मा बेचारी को क्रोध आ गया, तो उसने कहा भाई इनकी सच्चाई हम जरा इनको गिना दें, तो उसने कुछ गिना दिया मोहम्मद साहब के बारे में। अब ये इसके लिए वस्तुतः दोषी कौन है, जाहिर है वस्तुतः दोषी भारतीय जनता पार्टी, जिसने कभी अपने प्रवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण का कोई केंद्र ही नहीं खोला, कोई शुरू ही नहीं किया। लेकिन अभी बात अभी की घटना की हो रही, तो जैसे ही नूपुर शर्मा ने वो कहा, नूपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के बारे में जो सर्वविदित सच्चाई है उसे कह दिया, लेकिन बौखला के कहा, और वो भाजपा की प्रवक्ता है ये भूल गई, और भाजपा को इस समय, क्योंकि भाजपा में कभी भी ये नैतिक बल और आत्मबल रहा ही नहीं कि जो लोग उसके समर्थक हैं उनके साथ खड़ी हो, तो आज तक भाजपा ने किसी भी चुनावी घोषणा पत्र में ये नहीं कहा कि हम शासन में आने पर सनातन धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देंगे जैसा इस्लाम और ईसाइयत को दे रहे हैं, यानी बराबरी का व्यवहार करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हिंदुओं के साथ सब, हर पार्टी हिंदुओं के साथ अन्याय करती है और हिंदू द्रोही है। भाजपा, मैंने बताया, अपनी संरचना में ही हिंदू द्रोही नहीं हो सकती, लेकिन शासन में वो भी हिंदू द्रोही है। तो भाजपा ने आज तक ये हिम्मत भी नहीं की कि किसी भी चुनाव घोषणा पत्र में ये कहे, किसी नेता ने किसी चुनावी भाषण में तक ये नहीं कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हिंदू धर्म को भी उतना संरक्षण तो अवश्य देंगे जितना इस्लाम और ईसाइयत को दे रहे हैं, ये नहीं कहा। तो आप एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो हिंदुत्व के पक्ष में एक भी दिन खुलकर नहीं बोलती, आप एक ऐसी पार्टी की प्रवक्ता हैं
जो इस्लाम और ईसाइत की आए दिन मुसाहिबी करती है, चाटुकारिता करती है, समझती है कि ये उल्लू है। उल्लू कोई नहीं है, वो तो आपसे बार्गेन करते हैं। तो आप जिस पार्टी के हैं आपको उसकी संरचना का ध्यान नहीं है। तो नूपुर शर्मा ने जो कहा वो एक मामूली सा सच था, लेकिन वो नूपुर शर्मा की हैसियत से नहीं बोल रही थी ना, वो भाजपा की प्रवक्ता की हैसियत से बोल रही थी। और भाजपा की प्रवक्ता के नाते वो ऐसा शब्द कोई बोल ही नहीं सकती, और वहां कोई इशू भी नहीं है। मोहम्मद साहब क्या थे और उन्होंने कब शादी की, कितनी छोटी बच्ची से क्या किया, इससे आपको क्या लेना देना, और इससे ज्ञानवापी मुद्दे को भी क्या लेना देना। तो सदा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लक्ष्य वहां क्या है, ज्ञानवापी के पक्ष को सशक्त ढंग से प्रस्तुत करना। दूसरा पक्ष बकबक बकबक कर रहा है तो उसको हतबल करना, उसका मनोबल गिराना। तो उसके मनोबल गिराने का सही तरीका यह है कि उनको बताओ कि तुम तो मोमिन हो ही नहीं, तुम तो मुनाफिक हो, तुम तो मुशरिक हो, तुम तो कुरान के अनुसार चल ही नहीं रहे हो, तुमको तो यहां बैठने का अधिकार ही नहीं है। आप ये सब कहते हैं, आपकी लड़ाई उस सामने वाले ऐसे लोगों से है जिनको कुरान में श्रद्धा नहीं, जबरन अपने आप को मोमिन कहते हैं, कुरान के अनुसार जीवन भी नहीं जीते, जिनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, संविधान के सारे अधिकार चाहिए, कुरान के नाम पे दूसरों को डराना चाहिए, कुरान की आड़ लेकर दूसरों को भयभीत करना चाहिए, ऐसे कायर क्रूर और बदमाश लोगों से आपका मुकाबला है। तो आप उनको घेरिए, आप उनको नीचा दिखाइए जो सामने बैठे हैं। उसमें मोहम्मद साहब कहाँ से आ गए, आपका क्या लेना देना मोहम्मद साहब से, आपने पढ़ा नहीं है, आप इस्लाम हिस्ट्री की जानकार नहीं है, आपने जो जनरल हवा से सुन रखा है वही बोल दी। तो पहला दोष भारतीय जनता पार्टी का है जो अपने प्रवक्ताओं को प्रशिक्षित नहीं करती किसी भी विषय पर। नूपुर शर्मा का दोष केवल इतना है कि उसे एक जिसे कहते हैं सामान्य विवेक नहीं है कि हम किस पार्टी की ओर से बोल रहे हैं। आप हिंदू महासभा की ओर से नहीं बोल रहे हैं, और हिंदू महासभा में तो अब कोई जान ही नहीं है। आप किसी हिंदू संगठन की ओर से भी नहीं बोल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद में भी कोई जान नहीं है, उसके लोग भी ऐसे ही अशोक सिंघल जी के बाद सब ले लीजिए और पिलपिले लोग हैं। कोई तेजस्वी हिंदू संगठन राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, धर्म के क्षेत्र में तो सभी अत्यंत पूजनीय धर्माचार्य लोग हैं, लेकिन उनके ओर से राजनीति में तो कोई भी आदमी नहीं। तो आप किसी हिंदू संगठन की ओर से नहीं बोल रही हैं, आप हिंदू धर्म की प्रतिनिधि के नाते वहां नहीं बोल रही हैं, आप इस्लाम का विरोध करने वाले व्यक्ति के रूप में भी वहां नहीं है, क्योंकि आप कोई ऐसे समूह के सदस्य नहीं है जो इस्लाम का विरोधी है। आप एक ऐसी पार्टी की प्रवक्ता हैं जो दिन रात ये दिखाता है कि देखो भाई तुम तो हमें जानते ही हो असलियत कि हम तो हिंदू ही हैं, और हमारा मज्जा खून प्राण सांस सब हिंदू है, यह असलियत तुम जानते हो, लेकिन फिर भी देश में जो वातावरण है हम उससे इतने प्रभावित हैं कि हम अपने को हिंदू नहीं कहेंगे, हम दिन रात बताएंगे नहीं नहीं हम मुसलमान भी हैं, जो गांधी जी करते थे, मैं ईसाई भी हूँ मैं मुसलमान भी हूँ। गांधी जी अक्सर कहते थे ना मैं सच्चा मोमिन हूँ, किसी मुसलमान ने उनको कभी सच्चा मुसलमान नहीं माना, पर गांधी जी सदा कहते थे मैं सच्चा मुसलमान हूँ। एक भी ईसाई ने उनको कभी सच्चा ईसाई नहीं माना, पर गांधी जी कहते थे मैं सच्चा ईसाई हूँ। और अधिकांश हिंदू उनको हिंदू मानते थे, तो वो कहते थे मैं सच्चा हिंदू हूँ, ये भी कहते थे मैं सच्चा हिंदू हूँ, मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मैं सच्चा ईसाई हूँ। तो ये ऐसी बातें हैं जो नेता लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपकी पार्टी भी वैसे ही बोलती है। तो आप उस समय एक ऐसी पार्टी की प्रवक्ता हैं जो गांधी जी की निरंतरता में ढीली ढाली पार्टी है विचारों के मामले में, कुछ भी बोलती है, अपने आप को सदा हिंदू होने को छिपाती है, यद्यपि वो हिंदू है ये सब जानते हैं, सभी जानते हैं कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन उसे छिपाती है, उसको समझती है कोई शर्म की बात है, कोई लाज ढकने की बात है। आज तक एक भी तेजस्वी वक्तव्य नहीं दिया नरेंद्र मोदी या किसी ने भी हिंदुत्व के पक्ष में, है ना, बाकी ढोंग धतूरा पूजा पाठ उन्हें, राजनीति जब आप राजनीति में है तो राजनीतिक वक्तव्य देना चाहिए। पूजा पाठ तो सभी करते हैं, गाँव का अत्यंत गरीब अथवा तथा कथित किसी अन्य जाति का जिन्हें आप उपेक्षित बताते हैं उसका लेके, और बड़े से बड़े वेद पाठी ब्राह्मण तक सभी पूजा पाठ करते हैं। आपने भी वो कर लिया, उसका राजनीति में कोई महत्व नहीं, एक भी महत्वपूर्ण राजनीतिक वक्तव्य आज तक किसी भाजपा नेता ने नहीं दिया जो हिंदुत्व के पक्ष में जाता हो। तब आपको वहां
इस रूप में तिलमिलाकर पैगंबर पर कटाक्ष करने की क्या आवश्यकता थी? ज्ञान बापी के मुद्दे से पैगंबर का क्या लेना देना? इस्लाम के मुद्दे से भी इनका क्या लेना देना? जो लोग यहाँ लड़ रहे हैं, कभी राम जन्मभूमि पर लड़ते थे, अब कृष्ण जन्मभूमि पर लड़ रहे हैं, ज्ञान बापी पर लड़ रहे हैं, ये तो मोमिन ही नहीं है। कुरान से सिद्ध है कि वो मोमिन नहीं है। सबके सब हदूद गुनाह करते हैं, सबके सब मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं। तो आप उनसे लड़ते हैं तो उनकी पोल खोलिए, उनकी कमियां बताइए, उनके अंतर विरोध उजागर करिए, उनकी सच्चाई सामने रख दीजिए प्रतिपक्ष के। जो आदमी 1400 साल पहले आया और चला गया, आपको ठीक से पता भी नहीं है, उनके समय में उनकी कोई जीवनी भी नहीं लिखी गई, उनके जाने के 150 साल 100 साल बाद कुरान का संकलन हुआ, फिर 300 साल बाद अपने मन से हजारों हदीसें लिखी गई जिनमें कुछ रद्द हुई कुछ मान्य हुई। इतनी अस्पष्ट चीज, वो कोई महाभारत और रामायण है क्या? वो कोई भारत के सनातन धर्म के शास्त्र हैं क्या जो सुरक्षित हों? वो कोई वेद हैं क्या जो पीढ़ी दर पीढ़ी कंठाग्र याद किए हों, चटापाठ घन पाठ आदि तरह से? वहां तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ यूं है। एक कुरान शरीफ है, उस पर एक सर्वानुमति बनी है। यद्यपि अभी भी बहुत से शिया हैं और बहुत से दूसरे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, ये असली कुरान नहीं है, असली कुरान हमारे पास है, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना। एक एक कुरान शरीफ पर मोटे तौर पर सुन्नियों में पूरी सहमति बनी है, और तो वहां कुछ भी नहीं है। मोहम्मद साहब की कोई सर्वमान्य जीवनी नहीं है, कौन जानता है? विद्या म्यूर ने लिखी, मार्गोलिथ ने लिखी, तो वो कोई मुसलमान है क्या? मोमिनों ने जो लिखा है उसमें परस्पर विरोधी चीजें हैं, हमको उसमें जाने नहीं चाहिए। और ज्ञान बापी के झगड़े से, श्री कृष्ण जन्मभूमि के झगड़े से किसी मोमिन का कोई लेना देना नहीं। ये सब दुष्ट और बदमाश लोग हैं जो हिंदुओं को दबाने के लिए इस्लाम की दुहाई देते हैं। ये दुष्ट और बदमाश लोग हैं जो हिंदू धर्म पर चोट करने के लिए, हिंदुओं पे दबाव बनाए रखने के लिए कहीं ज्ञान बापी पे लड़ते हैं, कहीं कृष्ण जन्मभूमि पे लड़ते हैं। ये तो कुरान के आधार पर ही ये मुशरिक और मुनाफिक सिद्ध हो जाते हैं। तो आपने कुरान नहीं पढ़ा है तो आप उसके आधार पर नहीं कहती, तो कोई और सामने का तर्क देती कि भाई ये क्या है, आप असभ्यता असभ्य बातें क्यों कर रहे हो, हमारा धर्म तो मर्यादा सिखाता है वगैरह। मोहम्मद साहब पे चोट की आवश्यकता नहीं थी। अब जब आपने कर दिया तो प्रवक्ता के रूप में आप अपने कार्य से स्खलित हो गई, प्रवक्ता के रूप में आप अपने कर्तव्य से स्खलित हो गई। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी भाजपा की है। बेटे ने निरर्थक झगड़ा किया गली में, जिम्मेदारी पिता की है, माता की है, जिन्होंने समझाया नहीं है, लेकिन इस समय तो गलती बेटे की है ना, तो उसी को दो चांटा पिता भी मारेगा, जैसे अभी शुरू में निधीश जी कह रहे थे। अरे भाई तू काहे को वहां जाके बवाल में फंस गया? ठीक है, हमने तुझे समझाया नहीं था, हमारी इतनी कमी है, लेकिन ये क्या किया? एक सहज बुद्धि से चलता तो उसको हटाना तो बहुत सामान्य काम है। नूपुर शर्मा को हटाना एक सामान्य गतिविधि, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। तो कहेंगे अरे वो सब एक हो गए, अरे भाई वहां सब डर रहे हैं, हर हर शासक डर रहा है, हर मुस्लिम शासक हर क्षण डर रहा है कब विरोधी टांग खींच दें। और वहां तो वो अमीर है, अमीर बेचारा, अमीर को कोई कोई खास श्रद्धा नहीं है, हम भी जानते हैं, लेकिन उसको ये लगा है कि हमारी जो प्रजा है, हमारे जो अधीन लोग हैं, और ये जो मुल्ला मौलवी हैं जो जान खाते हैं, वो कल को हमको कह देंगे अरे हजरत आला और पता नहीं क्या क्या विशेषण लगती है, विशेषण लगते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं, वो तो बिना उस विशेषण के बोलते नहीं, जिसका अर्थ होता है कि परम श्रद्धे सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ किसी ने कह दिया, और तुम बैठे हो, उसको बेचारे को अपनी गद्दी बैठानी है, उसको तो दिन रात तिकड़म करनी है सारे ही लोगों को, तो वो भी तो कांप रहे हैं, तो उनको ये तो जरूरी लगता है ना कि आपसे कहे। और इस बीच जो उग्र मुस्लिम अलगाववादी संगठन है, उन्होंने सोशल साइट्स पे चला दिया बायकॉट इंडिया बायकॉट इंडिया, एक हवा बनाने के लिए। तो भारत सरकार उससे डर नहीं गई भाई, मुख्य एक सहज बात है, साले निरर्थक बात में जिसे कहते हैं ना चाय के प्याले में तूफान मच रहा है, तो चाय का प्याला हटा दिया, ले भाई ये प्याला नहीं पीते। नूपुर शर्मा के हटने से न तो भाजपा को कोई हानि है, न हिंदू धर्म को कोई हानि है, न हिंदू पक्ष को कोई हानि है, तो इसलिए हटा दिया। एक मामूली घटना है, एक मामूली बात है। तब आप कहेंगे फिर इतना शोर क्यों मच रहा है, और शोर से क्या होगा? अब दूसरा पक्ष आता है, भाजपा के समर्थकों की भीड़ कब बता रही, अरे कितना झूठ चला है। बताया ना कि राजनीति में ये जो मॉडर्न स्टेट है,
जो जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड और सोवियत संघ का घपला करके एक चीज बनाई है, इसमें तो जनता से तो सब दुराव ही दुराव है ना। जिस समय वो भारत में गरीबी बढ़ा रहे थे, जिस समय वो भारत का धन विदेश को भेज रहे थे, लगातार 1947 से आज 2022 तक लगातार भारत का धन विदेशों में जा रहा है। कैसे जा रहा है? आयात निर्यात की गलत नीतियों के कारण, एक्सचेंज रेट पर दबाव नहीं देने के कारण, लगातार व्यापारिक अपना माल सस्ते दामों में बेचना, उनका माल महंगे दामों में खरीदना, लगातार विदेशों को भारतीय धन जा रहा है। अंग्रेज जितना धन ले गए उससे कई गुना अधिक धन भारत से 1947 के बाद आज तक 75 वर्षों में भारत के शासकों ने विदेशों को भेजा है, और उसी में कमीशन करके स्विट्जरलैंड में यहां वहां अपना रकम भी, अपना गोपनीय बैंक खाता भी कर दिए। काला धन गोरा धन में नहीं बोलता, कोई धन काला नहीं होता, लेकिन काला धन वो सरकारी भाषा है, लेकिन उन्होंने पाप की कमाई की है। ये तो विदेश को धन भेज रहे हैं लगातार, और कह रहे हैं हम गरीबी हटाएंगे, लगातार विदेशों को धन भेज रहे हैं। अब मोदी जी के आने पर रुका है पहली बार, अटल जी के समय में भी जा रहा था क्योंकि उतना सक्षम नहीं थे, रोक नहीं पाए। तो ऐसे शासकों के समय समाज से छिपाया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो बताते थोड़ी हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, हटा दिया। अब ये कह रहे हैं नहीं, बहुत बड़ा खतरा आ गया था कतर के और बहरीन के और संयुक्त अरब अमीरात के शासकों ने। अरे वो रोज मिलते जुलते हैं यार, ऐसे 450 कतर के अमीर की तरह के 450 लोग तो मोदी जी की जेब में यूं ही रहते हैं। आप वो आंख मिला के तो बात नहीं कर सकते, हुजूर हुजूर कहेंगे, आप कहाँ किस दुनिया में रह रहे हैं? अब आपको थोड़ी बताया जाएगा ये सब, आखिर उनकी एक प्रतिष्ठा रखनी है ना। भारत के जिन राजाओं ने अंग्रेजों से मैत्री की, तो एक अर्थ में तो हिंदू धर्म से समायोजन किया, दब गए अपनी चालाकी और छल में, लेकिन अंग्रेजों ने उनको कहा ना, तुम एक तोप की सलामी, दो तोप की सलामी, सात तोप की सलामी, नौ तोप की सलामी, 11 तोप की सलामी, 21 तोप की सलामी, सबको अलग अलग दी, उनका भी मान बढ़ाया, उन्होंने भी कहा भाई मेरा मान रखो। तो कतर बहरीन या जो भी मोदी जी से मिलने वाले शासक हैं उनका मान तो रखना पड़ेगा ना, वो ये थोड़ी बताएंगे कि अरे हम इनको कुछ नहीं गुनते। शासन को, समाज को तो ये सब नहीं बताया जाता, तो उन्होंने उनका मान रखा, उन्होंने भी कहा भैया मेरी इज्जत बचाओ, ये हमारे यहाँ विद्रोह हो रहा है। और तो एक पिद्दी सा मामला था, नूपुर शर्मा का बयान न तो उस प्रसंग के अनुरूप था, न भाजपा की नीतियों के अनुरूप था, न उससे हिंदू समाज का कोई भला होने वाला था, न उससे हिंदू समाज का कोई सत्य पक्ष उद्घाटित हुआ, एक अप्रासंगिक निरर्थक बात कह दी गई। तो जितनी अप्रासंगिक वो बात थी उनको हटाना भी उतना ही सहज है, तो अप्रासंगिक ही है उस पर चर्चा करना। नूपुर शर्मा को हटाया जाना चर्चा के योग्य विषय नहीं है, तो क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? नहीं, अवश्य होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसके राजनीतिक लाभ हैं। सोशल मीडिया में नूपुर शर्मा को हटाए जाने का जो विरोध हो रहा है वो स्वागत के योग्य है, और अधिक विरोध होना चाहिए। इसके लिए सोशल मीडिया साधुवाद का पात्र है, हिंदू पक्ष का सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सक्रिय हिंदूवादी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने भी घमासान मचा दिया, तुम ही भर अपना चिल्लाना जानते हो, अनपढ़ दिन रात हदूद गुनाह करने वाले अपने आप को मोमिन बता बता के इस्लाम से नाम से खड़े होते हो, डराते हो, खुद तो कुरान को नहीं मानते। अरे हम तो रोज फिर भी पूजा पाठ करते हैं, संध्या करते हैं, ये सबके सब लोग जो हिंदू लोग सक्रिय हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई गायत्री मंत्र पढ़ता है, तुमसे तो बेहतर हैं। इस समय के अधिकांश मुसलमान कुरान शरीफ का एक रत्ती पालन नहीं करते, बस उसका हवाला देते हैं दूसरों को दबाने के लिए। हिंदू तो उनकी तुलना में कई गुना धार्मिक हैं, हर हिंदू चंदन लगाता है अथवा मंदिर जाता है, गणेश जी की पूजा करता है, लक्ष्मी जी की पूजा करता है, सरस्वती जी की पूजा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, गायत्री का पाठ करता है, हवन यज्ञ करता है, सत्यनारायण कथा सुनता है, जिसकी जो श्रद्धा है, आर्य समाजी है तो सुबह यज्ञ हवन करता है, सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो अपने को मोमिन कहने वाले मुनाफिकीनों से तो सारे ही हिंदू अधिक धार्मिक हैं, तो वो क्यों नहीं हल्ला करें? ये तो हल्ला कर करके अपने आप को, और कुछ नहीं करते, कुरान का पालन नहीं करते जीवन में, दिन रात हदूद गुनाह करते हैं। हदूद गुनाह क्या है वो हमने अपनी किताब में बताया है। जो मोमिन होगा वो सिनेमा में एक्टिंग नहीं कर सकता, जो मोमिन होगा वो चित्र वाली पुस्तक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, जो मोमिन होगा वो
शराब क्या गांजा भांग अफीम कुछ भी छू नहीं सकता, उसके व्यापार करने वाले लोगों से रिश्ता ताल्लुकात नहीं रख सकता, कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तो सभी लोग उसी में लगे हैं, ये तो मुनाफिकीन है। तो अगर मुनाफिकीन इतना हल्ला मचा सकते हैं इस्लाम के नाम पे, क्यों पॉलिटिकल हल्ला कि दूसरा हमसे दबे, लगे कि वाह बड़े ताकतवर हैं, और मौका लगे और कांग्रेस जैसी पार्टी शासन में हो, योगी जी जैसा दृढ़ प्रशासक नहीं हो तो आग लगा दो। यानी अपनी गुंडागर्दी, हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, लूट, बर्बरता, पैशाचिकता, नीचता के लिए कुरान को ले आते हैं। और कुरान में जो कठिन जीवन कहा गया है भागो, कुरान में जिस सादगी की बात की गई है, कुरान में जो हदूद गुनाह जो कहे गए हैं, वो जो तुम रोज कर रहे हो, अपनी फोटो खिंचाना, सिनेमा जाना, नाचना गाना, सिनेमा में एक्टिंग करना, तो सब तो हदूद गुनाह तो तुम रोज कर रहे हो। कुरान भी तुम्हारे लिए दूसरे मनुष्यों के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करने का एक साधन है, दूसरे मनुष्यों की संपत्ति लूटने का, उनके ऊपर व्यभिचार बलात् करने का एक साधन है। तुम्हारी कुरान में श्रद्धा नहीं है, तुम मोमिन नहीं हो, तुम मुनाफिकीन और मुशरिक हो। जब तुम सोशल मीडिया में इतना हल्ला कर सकते हो इस्लाम के पक्ष में, जाकिर नाइक से लेके सब, जाकिर नाइक क्या मोमिन है, कुछ नहीं है, मुनाफिक है। कुरान के आधार पे मुनाफिक सिद्ध हो जाएगा। वो मकबूल फिदा हुसैन था, बिल्कुल काफिर था। जब ये लोग इस्लाम के नाम पे लाभ ले रहे हैं, तो हमारे लोग जो कुछ ना कुछ तो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, वो क्यों ना हिंदुत्व के पक्ष में खड़े हों। तो नूपुर शर्मा को हटाए जाने के विरोध में, हिंदुत्व के पक्ष में सोशल मीडिया में सक्रिय लोग सब साधुवाद के पात्र हैं। राजनीति ऐसे ही चलती है। पहली बार हमारा पक्ष भी सक्रिय होकर दिख रहा है कि अरे मजाक नहीं, एक नूपुर शर्मा को हटाने पर हम इतना हल्ला मचा रहे हैं, तो सोच लो हम क्या करेंगे हिंदुत्व के पक्ष में। इसलिए नूपुर शर्मा को हटाना अत्यंत आवश्यक था, और एक सामान्य सा काम है, मतलब वो इतना महत्व का भी काम नहीं है जितना बताया जा रहा है। और कहीं दुनिया में कोई आफत नहीं आ रही थी, उन्होंने कहा भैया हटा दो, हम लोगों के अच्छे संबंध हैं, लेन देन चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और ये बवाल खड़ा करेंगे जो हमारे विरोधी हैं, एक समस्या खड़ी कर देंगे। अभी हम आपसे जो व्यवहार कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उसमें बाधा पड़ेगी, इधर ध्यान देना पड़ेगा। तो सब कतर में, बहरीन में, मुस्लिम देशों में शांति और सुव्यवस्था बनी रहे, हमारी मैत्री बनी रहे, कोई बेकार का उत्पात नहीं हो, इसलिए मोदी जी ने इसको हटा दिया। भाई नूपुर शर्मा को हटाना या वो दूसरे को हटाना बहुत मामूली बात है, इतनी विशाल, इतने विशाल देश की एक सबसे बड़ी पार्टी और आधुनिक राज्य जो भयंकर शक्तिशाली है, जिसको डॉक्टर लोहिया सहस्त्रबाहु राक्षस कहते थे, ऐसे भयंकर शासन का शीर्ष पुरुष जिसके पास ऐसे अधिकार हैं, जबकि चक्रवर्ती सम्राटों के पास इतने अधिकार नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि वो धर्म से चलते थे। ये तो सब धर्म निरपेक्ष लोग हैं, हिंदू हैं लेकिन धर्म निरपेक्ष हैं। उनके पास तो अंतहीन ताकत है जो नास्तिकों और भौतिकतावादियों के पास होती है, वो ताकत इस समय भारत के शासकों के पास है, प्रधानमंत्री के पास है। तो वो इस मामूली चीज के लिए क्यों बवाल लेंगे, तो हटा दिया। तो नूपुर शर्मा का हटाया जाना सहज स्वाभाविक अत्यंत सामान्य प्रक्रिया है। सोशल मीडिया में नूपुर शर्मा को हटाए जाने से शोर होना हिंदू धर्म, हिंदू समाज के पक्ष में अति शुभ घटना है। राजनीति ऐसे ही चलती है। हमारे पक्ष को सोशल मीडिया में अधिक से अधिक प्रबल होना चाहिए, अधिक से अधिक प्रखर होना चाहिए, लेकिन जो लोग जानकार हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे वो राजनीति की बारीकियों को जाने, शासन को जाने, भारत के महत्व को जाने। कतर जैसे 450 नेशन स्टेट वर्तमान भारत में समाहित है, जो पुराना भारत था उसमें तो 1000, कतर से 1000 गुना था पुराना भारत, जो अफगानिस्तान से लेके और म्यांमार तक और यहाँ तिब्बत से लेके हिंद महासागर तक था, वो तो 1000 गुना बड़ा था कतर जैसे नेशनल स्टेट से, बहरीन जैसे नेशनल स्टेट से। इस विशाल भारत का एक धर्मनिरपेक्ष सहस्त्रबाहु राक्षस, जिसे डॉक्टर लोहिया कहते थे, ऐसा भयंकर शक्तिशाली शासन, उसको नूपुर शर्मा कोई विषय नहीं है। अच्छा, समस्या हो रही है आपके यहाँ, शांति व्यवस्था में खलल पड़ रही है, आपके विरोधी आपको तंग कर रहे हैं, रोज आपको काफिर कहेंगे या ये कहेंगे कि
हुजूर क्या वो बोलते हैं दुनिया भर का अल्लाह, पता नहीं बहुत सी उपाधियां हैं वो मुझे आती नहीं है, तो रसूल आखिरी रसूल साहब हजरत आदि विशेषण लगा के परम पूजनीय, उनके उनकी शान में गुस्ताखी हो गई, तुम अभी भी बैठे हो उसको भाई शांति से, हमको हमारा मित्र है हम उसको वहां शांति से रहने देना चाहते हैं, उससे हमारा लेन देन चलता रहे, सौदेबाजी चलती रहे, इसलिए हटा दिया। अति मामूली घटना है, इसका शोर होना, इसके विरुद्ध शोर करना बहुत सुंदर और शानदार घटना है। इसके आगे जाकर हो सके तो कुछ लोगों को भारत के महत्व को, भारत में एक धर्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ शासन कैसे आए, अभी तक नहीं आया है, वो कैसे चरणबद्ध रूप से आएगा, इन सब गंभीर बातों में जानना चाहिए। ये नहीं कि मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए, ऐसे ही कह रहे हो जैसे कोई अत्यंत भीमकाय पहलवान से कहें कि वो एक बच्चा जो है वो एक कंकड़ फेंका था तो वो उससे डर गए। मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है, गिनती में ही नहीं है। मोदी जी और अमित शाह के लिए नूपुर शर्मा किस गिनती में आती हैं भाई। अब जो दोष है वो दोष तो बहुत है ना, पहला दोष तो ये है कि भाजपा ने आज तक हिंदुत्व के पक्ष में कोई कदम ही नहीं उठाया। ये राम मंदिर और ये सब, ये हिंदुत्व नहीं है, ये तो सब वोट कैचिंग वो है। हिंदू धर्म को उतना ही सम्मान और संरक्षण मिले भारत के राज्य के द्वारा, उतने ही विधिक अधिकार मिले जैसा इस्लाम और ईसाइयत को अल्पसंख्यक कह के प्राप्त है। ये इसके पहले जो शासक इतना नहीं करते वो हिंदू धर्म के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। जब तक भारत के शासक भारत के शासन द्वारा हिंदू धर्म को भी उतना और वैसा ही संरक्षण नहीं देते जैसा वो इस्लाम और ईसाइयत को दे रखे हैं, हिंदू धर्म की पढ़ाई के लिए अनुपात में उतना धन नहीं देते सीधे हिंदू धर्म की पढ़ाई के लिए, हिंदू धर्म शास्त्रों की पढ़ाई के लिए, वेद और उपनिषद के लिए, अभी मुसलमानों और ईसाइयों को कुरान और बाइबिल की पढ़ाई के लिए जो धन दिया जाता है उससे कम से कम 10 गुना अधिक अगर हिंदुओं को नहीं दिया जाता, और ये घोषणा नहीं की जाती कि भाई भारत का शासन सभी समुदायों की आस्था का सम्मान करता है, इसलिए बहुसंख्यकों की भी आस्था का सम्मान करेगा और उनकी आस्था को उतना ही संरक्षण देगा जितना कि अल्पसंख्यकों को दे रखा है, इतना भी जो न करे वो हिंदू शासक नहीं है। तो इनकी मांस मज्जा प्राण सब हिंदू है, लेकिन ये धर्म से निरपेक्ष, धर्म शून्य, धर्म से विमुख, धर्म का वोट के लिए दिखावा करने वाले हिंदू हैं, ये जानना चाहिए। और अभी तो यही है, तो कोशिश करनी चाहिए कि एक धर्मनिष्ठ, धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने वाला शासन आए, उस पर बहस चले जाने चाहिए। ये नूपुर शर्मा, ये ठीक है सोशल मीडिया में हल्ला मचा, मैंने कहा ना बहुत स्वागत की चीज है, लेकिन जो लोग इससे अधिक सोचते हैं, जो लोग देश के विषय में इससे अधिक गंभीर विचार करते हैं, उनको थोड़ा व्यापक देखना चाहिए। और ये नेशन स्टेट नाम की इकाई अमेरिका ने, दोनों अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस आदि ने मिलकर दूसरे महायुद्ध के बाद, पहले और दूसरे इंटरवार पीरियड में भी बनाए थे, प्रथम महायुद्ध और दूसरे महायुद्ध के बीच की अवधि में भी बनाए थे, और द्वितीय महायुद्ध के बाद जो बना दिए, ये छोटे छोटे पॉकेट्स जो हमारे छोटे छोटे शहरों के बराबर हैं, भोपाल के बराबर, जबलपुर के बराबर, रीवा के बराबर, सतना के बराबर, जयपुर से बहुत छोटे, जोधपुर से बहुत छोटे, बीकानेर से बहुत छोटे, जैसलमेर से बहुत छोटे, मामूली मामूली जो जागीरें हैं उनको नेशन स्टेट बना दिया है। तो उन्होंने बना दिया तो बना दिया, आपको तो सच्चाई जाननी चाहिए ना, सारे आंकड़े तो उपलब्ध हैं, तो उनको ये मत गिनाइए इतने राष्ट्र हैं मुसलमानों के और सब विरुद्ध हो गए। अरे भाई वो कुल मिला के कितने हैं, इधर जो हिंदुओं से मुसलमान बने हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और 250-300 साल पहले मलेशिया और इंडोनेशिया, वो भी तो पहले हिंदू ही थे, अभी अभी तक 16वीं शताब्दी के बाद क्रमशः बने हैं और पूरा मुस्लिम आज भी नहीं हुए। यहाँ तो ऐसे भी मूर्ख हैं जो कहते हैं देखो मलेशिया या फलाना इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र है, फिर भी वहां ऐसा होता है। अरे मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं बनना है, बनने की प्रक्रिया में है, अभी हिंदुत्व का अवशेष वहां बचा है इसलिए ऐसा होता है। तो वो देश इंडोनेशिया, मलेशिया आदि सब हिंदुओं से 250-300 साल पहले मुस्लिम बने नेशन स्टेट, और ये 100 साल के भीतर हिंदू से मुस्लिम बने नेशन स्टेट पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनकी आबादी हटा लें तो मुस्लिम नेशन स्टेट 56 देश में 50 देशों की आबादी कुल कितनी है, 40 करोड़ भी नहीं है।
किसी की 28 लाख है, किसी की 56 लाख है, किसी की 1 करोड़ है, किसी की 15 लाख है, तो उसके ऐसा वितंडा मत बनाइए कि बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं। कुल मिला के कितने करोड़ लोग हैं, हिंदू से मुसलमान बने और इसलिए हिंदुओं से प्रतिस्पर्धा रखने वाले, हिंदुओं से सत्ता छीनने की कोशिश में लगे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी मुसलमानों को अगर छोड़ दें, जिनका मूल उद्देश्य कल तक हम हिंदू थे इसलिए अभी हम जो हम थे ये लोग मुसलमान नहीं बने हैं तो इनसे सत्ता छीन लें, इसके लिए ये काम कर रहे लोग हैं, इनका भी कुरान से कोई लेना देना नहीं। और जो असली उधर के हैं देश, तो उनकी तो आबादी ही कितनी है, 50 देशों की आबादी 40 करोड़ है टोटल, तो उसमें ऐसे परेशान होने की बात नहीं है। भारत की शक्ति को जानिए और भारत के शासकों की कमी को जानिए, तो कमी को जानिए तो आलोचना करके आप नई पार्टी बना रहे हैं तो आप उन्हीं की होड़ में चले गए। कमी कैसे दूर होगी, कैसे भाजपा को ही प्रेरित किया जाए कि अरे भाई इतना तो करो, हिंदू धर्म को उतना अधिकार तो दे दो जितना तुमने इस्लाम और ईसाइयत को दे रखा है। हमको इस पे ध्यान देना चाहिए, सोशल मीडिया पे वातावरण बनाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी धर्मनिष्ठ बने, सदाचारी बने और सच बोलना सीखे। कोई समस्या नहीं है अगर वो चुनाव घोषणा पत्र में कह दे कि अगले चुनाव में कि हम भारत में हिंदू बहुसंख्यकों के धर्म को उतना ही संरक्षण देंगे जितना कि अल्पसंख्यकों के मजहब और रिलीजन को देते हैं, एक मामूली कह दे। हमको ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और अपने देश के महत्व को रेखांकित करना चाहिए, देश के शासकों की ताकत को उनको भी बतानी चाहिए कि तुम बहुत ताकतवर हो, पर वो तो जानते ही हैं, उस ताकत को समझकर उनको थोड़ा धर्म के लिए, सत्य के लिए, देशभक्ति के लिए दबाव दें। और इन फालतू बातों में कुछ नहीं रखा है, मोदी जी डरने वाले जीव ही नहीं है, डरने का कोई कारण भी नहीं। अगर वो हिंदू धर्म का उचित संरक्षण नहीं कर रहे हैं तो इसकी जड़ें उनके मस्तिष्क में, मन में नहीं है। डर तो मन का अवरक्त विकार है ना, डर, खुशी, दुख, ये सब मन के खेल है ना, राग और द्वेष, हर्ष और विषाद, ये मन का खेल है, डर मन का खेल है। मोदी जी के मन में कोई समस्या नहीं है, मोदी जी डरने वाले नहीं हैं, जो समस्या है बुद्धि में है कि कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो विधिवत इन बातों पर विचार करती हो कि भारत क्या है, इसका महत्व क्या है, यहाँ कैसा शासन सदा से रहा है, बड़े बड़े राजवंश भारत में हुए हैं जैसे संसार में और कहीं नहीं हुए हैं, वो कैसे शासन करते रहे हैं, हम कैसे उसके अनुसार कोई विधान बनाएं, किसी संविधान का उपयोग कैसे हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा के लिए करें, इन सब पर दिमाग न लगा के व्यस्त हैं। एक तो लगातार चुनाव हो रहे हैं, ये जो चुनाव का वो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कि भाई सारे देश में सभी निकायों के चुनाव एक साथ हों, एक देश एक चुनाव, इससे थोड़ा फुर्सत मिल जाएगी तब सोच सकेंगे। मन में कोई समस्या नहीं है मोदी जी के, इसलिए डरने का सवाल ही नहीं है, बुद्धि में समस्या है, बुद्धि में पूरी भाजपा की समस्या है, लेकिन सभी हिंदू संगठनों की समस्या है कि इतना विशाल, इतना गौरवशाली राष्ट्र होकर और मुस्लिम साम्राज्यवाद को पूरी तरह कुचल कर और ईसाइयों को भी यहाँ से 90 वर्ष के भीतर भागने को विवश कर हम लोग जो खड़े हुए हैं वो अब अपने धर्म को ही संरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं, उस दिशा में चिंतन करें। नूपुर शर्मा जैसी मामूली घटनाओं पर चर्चा तो कर लें, लेकिन ये जान लें कि बहुत मामूली घटना है, इसमें हंसा जा सकता है, विनोद किया जा सकता है, चली गई तो क्या दिक्कत है, और कोई खतरा नहीं है नूपुर शर्मा, कोई खतरा होगा तो भारत शासन है, हिंदू समाज है, हिंदू समाज को तो कोई शक्ति ही नहीं दे रखी है। एक तो हिंदू समाज को शक्ति देने के विषय में दबाव बनाइए, शासन हिंदू समाज को विधिवत मान्यता दे ताकि उसके पास हिंदू समाज के रूप में, हिंदू संगठन के रूप में शक्ति मिले, इसकी चिंता कीजिए। और नूपुर शर्मा के बहाने जो लोग इसी बहाने हिंदू पक्ष को सामने ला रहे हैं वो सब साधुवाद के पात्र हैं, इस अर्थ में कि चलिए हमारा पक्ष भी, जब तुम मुनाफिक और मुशरिक होकर दिन रात अपने को मोमिन बता के हल्ला मचा सकते हो तो हम तो हिंदू हैं ही, हम क्यों नहीं हिंदुत्व के पक्ष में हल्ला मचाएं। इस मामले में बहुत अच्छा है, इससे अगले कदम की ओर जो मैंने संकेत किया है उधर जाने की कोशिश करना चाहिए। मोदी जी को डर आदि का कहीं कोई कारण ही नहीं है तो डरेंगे क्यों, अरे डरेंगे तब जब उनकी गद्दी जाती दिखेगी, अपनी गद्दी जाते दिखेगी तो एक बार मोदी डर सकते हैं, भले कहें ये कि वो सन्यासी हैं, निष्प्रय हैं, लेकिन ऐसा कोई सन्यासी, ये आधुनिक जो राज्य है वो भोग और ऐश्वर्य का साधन है, उसमें कोई सन्यासी ऐसे नहीं जाता, सब अभी तक कोई सन्यासी
पता नहीं, योगी जी के विषय में मैं ज्यादा नहीं जानता, हो सकता है वो संन्यास भाव से ही गए हों, लेकिन ये राज्य संन्यास भाव से चलाने वाला ये राज्य नहीं है। ये तो काफी विषयाशक्त लोगों का राज्य है, आधुनिक राज्य विषयाशक्त और भोगियों और कामियों का ही राज्य है, लेकिन इसमें रजोगुण से संपन्न लोग ही इस शासन में, इस पार्टी में जा सकते हैं। मोदी जी में सारे ही रजोगुणी राजसिक तत्व हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी गद्दी को कोई खतरा नहीं है, बहुत ही कुशलता से उन्होंने व्यवहार किया है। नुपुर शर्मा का हटाया जाना गिनती के योग्य घटना ही नहीं है। उस बहाने सोशल मीडिया में जो हिंदुत्व के पक्ष में काफी जोरों से आवाज चली, वो अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, उससे मन गदगद होता है, और उससे हिंदू शक्ति सोशल मीडिया में भी प्रकट हुई है। यही हिंदू शक्ति राजनीति में भी प्रकट हो, आज तक राजनीति में हिंदू शक्ति नहीं प्रकट हुई है, और बौद्धिक क्षेत्रों में हिंदू शक्ति नहीं प्रकट हुई है, धीरे धीरे उसमें प्रकट हो, यही हम अपेक्षा करते हैं। और आज की घटना को विश्लेषित करते हुए यही बात को अपनी रोकते हैं। नमस्कार। बहुत सुंदर गुरु जी, आपने बड़ी अच्छी तरीके से ये बात कही है कि हिंदू शक्ति आज तक जो है वो राजनीति में उतने अच्छे तरीके से परिलक्षित नहीं हुई है, और नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदू समाज का चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से ही आगे आना, ये हम सब के लिए, इस देश के लिए, इस देश की राजनीति के लिए, हिंदू समाज के लिए एक अच्छा कदम है। इसलिए चाहे ये बात छोटी हो या ये बात बड़ी हो, लेकिन उनके समर्थन में उतर के आना सामने वालों के मनों में भी किसी न किसी तौर पे ये डर जरूर लेकर के आएगा कि अब हिंदू उतना सुषुप्त अवस्था में है नहीं जितना आप उसे सोच रहे थे। ये जागृत हिंदू का समय है और ये और आगे बढ़ेगा। आज के कार्यक्रम में गुरुजी के द्वारा कही बातों से लोगों के मन की काफी जिज्ञासाएं जो हैं वह अपने आप में शांत हो गई होंगी, इसलिए कोई क्लोजिंग रिमार्क देने की आवश्यकता रह नहीं जाती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे लोगों तक ये बातें पहुंचे। और गुरु जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ चर्चा में सहभागी होने के लिए। जय सभी का धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद। जय भारत। भारत।